हेल वाई भी बड़ी नमस्कार हम सभी आवर चैनल अंग्रेजी की क्लास और गाइस आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं मास्टर करने वाले हैं प्रपोजिशनल फ्रेजेस को तो सब कुछ जान लेंगे प्रपोजिशनल फ्रेज क्या होती है कैसे फॉर्म करते हैं इनका फंक्शन क्या है एवरीथिंग आई एम एक्साइटेड एक्साइटेड सुपर लेट्स डू इट तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज अ प्रपोजिशनल फ्रेज प्रशनल फ्रेज होती क्या है तो देखो फ्रेजेस दैट स्टार्ट विद अ फ्रेजेजार्टिशन जो स्टार्ट होती है प्रपोजिशन से

उसकी लाइफ के बारे में प्रेपोजिशनल फ्रेज क्या है हमारे पास? अबाउट वॉट हिज लाइफ तो ये हो गई हमारी सिंपल प्रेपोजिशनल फ्रेज अब ये कर क्या रही है इसका फंक्शन क्या है यहाँ पर ये मॉडिफाई कर रही है इस वर्ड इस नाउन मूवी को देर राइटिंग मूवी कैसी मूवी किस तरीके की मूवी अबाउट इज लाइफ उसकी लाइफ के बारे में तो पर ये की की तरह काम कर है, की तरह काम काम कर 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 रही 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 है, 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 है? इस को, को ठीक देखो, टेबल के नीचे छुप रहा है ठीक है प्रेपोजिशनल फ्रेज क्या है अंडर द टेबल क्यों अंडर हो गई प्रेपोजिशन द टेबल हो गया इसका ऑब्जेक्ट अंडर कहां पर टेबल प्रेपोजिशनल फ्रेज सिंपल अब ये कर क्या रही है ये देखो

सेपरेटली इनको देखते हैं प्रेपोजिशनल फ्रेजेस एज एजेक्टिव प्रेपोजिशनल फ्रेजेस जब एजेक्टिव की तरह काम करते हैं ठीक है एग्जाम्पल डिफरेंट कंट्रीज आर इन दिस कॉलेज स्टूडेंट्स छात्र अलग अलग देशों से इस कॉलेज में पढ़ रहे हैं कौन से स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज अलग अलग कंट्रीज से इस कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो यहां पर ये फ्रेज प्रशनल फ्रेज मोडिफाई कर रही है इस नाउन को स्टूडेंट से बता रही है कि इसमें कौन कौन आ रहे हैं स्टूडेंट्स कैसे स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज ठीक है द हाउस अक्रॉस द स्ट्रीट इज बिलीव्ड टू बी हॉन्टेड वो घर जो स्ट्रीट के पार है सड़क के दूसरी तरफ है उसको हॉन्टेड माना जाता है कौन सा घर द हाउस विच हाउस अक्रॉस द स्ट्रीट जो सड़क के दूसरी तरफ है वो वाला हाउस हॉन्टेड है तो यहां पर भी देखो हमारी प्रपोजिशनल फ्रेज मॉडिफाई कर रही है नाउन द हाउस को बता रही है कौन सा हाउस जो उस तरफ है सड़क के द गाय इन द रेड शर्ट इज माई नेबर वो व्यक्ति जो रेड शर्ट में है वो मेरा नेबर है आप नहीं ये नहीं वो नहीं जो रेड शर्ट में दैट इज माई नेबर ठीक है तो इन द रेड शर्ट हमारी प्रिपोजिशनल फ्रेज है जो मॉडिफाई कर रही है नाउन को सब्जेक्ट को द गाय कौन सा गाय इन द रेड शर्ट फोर देखो द एंडिंग ऑफ द मूवी वॉज इन गुड मूवी की एंडिंग अच्छी नहीं थी एंडिंग कौन सी एंडिंग ऑफ द मूवी मूवी की एंडिंग अच्छी नहीं थी तो देखो ये सारी फ्रेजेस फॉर्म फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज अक्रॉस द स्ट्रीट इन द रेड शर्ट ऑफ द मूवी ये सारी प्रेपोजिशनल फ्रेजेस हैं क्योंकि स्टार्ट हो रही है फ्रॉम अक्रॉस इन और ऑफ से लेकिन फंक्शन कैसे कर रही है एजेक्टिव की तरह ये मॉडिफाई कर रही है इन को तो इनको हम एडजेक्टिव फ्रेजेस भी बोल देंगे ठीक है चलिए दूसरी देखते हैं प्रेपोजिशनल फ्रेजेस एज एडवर्ब्स यहां पर प्रेपोजिशनल फ्रेजेस एडवर्ब्स की तरह काम करेंगे एग्जाम्पल देखो ही लिव्स अक्रॉस द स्ट्रीट वो रहता है कहां पर सड़क की दूसरी तरफ तो देखो यहाँ पर prepositional phrase हमें बता रही रही है है कर इस को lives. He lives कहां पर Across the street. Money, उसके पिताजी उनको पैसा भेजते हैं एट द एंड मंथ हर महीने के एंड में तो ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है एट से स्टार्ट हो रही है और क्या कर रही है मोडिफाई कर रही है इस वर्ब को सेंस को

प योर मनी कहा पर इन योर पॉकेट तो इन योर पॉकेट प्रेपोजिशन फ्रेज स्टार्ट हो रही है इनसे मोडिफाई कर रही है को. पैसे कहां रखने इन योर पॉकेट ठीक है एडवर्ब की तरह काम कर रही है I take you guys to my dream place. मैं आप लोगों को आप मेरे प्यारे लोगों को कहा लेके जाऊंगा टू माई ड्रीम प्लेस अगेन ये प्रेपोजिशन फ्रेज है टू से स्टार्ट हो रही है जो की प्रेपोजिशन है और क्या कर रही है मोडिफाई कर रही है इस वर्ब को टेक मैं आपको लेके जाऊंगा कहां पर टू माई ड्रीम प्लेस

प्रेपोजिशनल फ्रेजेस हमेशा उस वर्ड के बाद में आएंगी जिसको मॉडिफाई करेंगी जब ये एबजेक्टिव की तरह काम करेंगे ठीक है अगर ये मॉडिफाई कर रही है किसी को तो उस वर्ड के बिल्कुल बगल में आएंगी जिसको ये मॉडिफाई करते हैं ठीक है दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कैसे फॉर्म करते हैं प्रेपोजिशनल फ्रेजेस को उसके लिए आपको चाहिए एक प्रेपोजिशन और दूसरी चीज़ चाहिए एक नाउन या प्रोनाउन जो प्रेपोजिशन के बगल में आएगा जिसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ दी प्रपोजिशन समझ में आ गए चलिए अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ प्रेपोजिशनल फ्रेजेस नाउन की तरह भी काम करती हैं ये बहुत लोगों को नहीं पता लेकिन ये कर सकती हैं बहुत ही डेंजरस यूसेज है आ, थोड़ा केयरफुली आपको यूज करना पड़ेगा समझ लो पहले देखो प्रेपोजिशनल फ्रेजेस लेस फ्रीकवेंटली मतलब ज़्यादा फ्रीक्वेंटली नहीं बट दे कैन ऑल्सो वर्क एज अ नाउन नाउन की तरह काम कर सकती है ठीक है जब प्रेपोजिशनल फ्रेज नाउन की तरह काम करती हैं तो या तो वो सेंटेंस की सब्जेक्ट होंगी या होंगी आपकी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जिसको हम प्रेडिकेट नॉमिनेटेड भी बोलते हैं ठीक है एग्जाम्पल्स देखो फ्टर द क्लास इज नॉट द राइट टाइम टू मीट क्लास के बाद वाला समय सही समय नहीं है मिलने के लिए तो वट इज द सब्जेक्ट आफ्टर द क्लास दिस इज नॉट द राइट टाइम टू मीट अब देखो कैसे है ये नाउन एक नाउन को हम रिप्लेस कर सकते हैं प्रोनाउन के साथ करके देखिए दिस इज नॉट द राइट टाइम टू मीट या दैट इज नॉट द राइट टाइम टू मीट इट इज नॉट द राइट टाइम टू मीट कर लिया हमने रिप्लेस द वर्स्ट टाइम टू कॉल योर एक्स गर्लफ्रेंड इज ड्यूरिंग योर वेडिंग देखिए प्रेपोजिशन फ्रेज है इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं अब यहां पर ही सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह काम कर रही है इस नाउन को रीनेम कर रही है दर्स्ट टाइम टू कॉल योर एक्स गर्लफ्रेंड वो टाइम कौन सा है ड्यूरिंग योर वेडिंग ठीक है ये टाइम को रेफर कर रही है इंडिकेट कर रही है इसकी जगह आप कोई प्रोनाउन यूज कर लो द वर्स्ट टाइम टू कॉल योर गर्लफ्रेंड इज दैट और द वर्स्ट टाइम टू कॉल योर एक्स गर्लफ्रेंड इज दिवाली और डिनर और ब्रेकफास्ट ठीक है तो इस तरीके से आप प्रेपोजिशनल फ्रेजेस को नाउन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बट केयरफुल यूज़ करें समझ के लिए आप समझ लें इसको ना यूज़ करना चाहें तो मत करिए ठीक है तो अब है आपके लिए एक छोटा सा टास्क स्क्रीन पे कुछ आपको एग्जांपल्स दिख रहे हैं इसमें से आपको प्रेपोजिशनल फ्रेजेस ढूंढनी और बतानी कि ये किस तरीके से काम कर रहे हैं तो दोस्त यहाँ पर होता है लेसन खत्म उम्मीद है आपको प्यारा लगा लेसन अच्छा लगा इंफॉर्मेटिव लगा ऐसा लगा तो लाइक कर देना और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना आप मेरी वेबसाइट पे इस पर बहुत ही डिटेल्ड पोस्ट है आप देख सकते हो लिंक मैं दे दूँगा आपको डिस्क्रिप्शन में अगर कोई क्वेश्चंस है तो फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो आई टॉक टू यू देयर और तब तक के लिए बहुत बहुत सारा प्यार खुश रहें कीप स्प्रेड प्लानिंग अमाओं